भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि बिहार में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के एक एक व्यक्ति से, एक एक नागरिक से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के हर प्रतिभावान नौजवान से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की ऊर्जावान बहन बेटियों से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की क्रांतिकारी मिट्टी से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की संकल्प शक्ति से बनता है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो अन्याय किया, जो विश्वासघात किया, वो बिहार का एक एक नागरिक, पुरानी पीढ़ी वाले भी और वर्तमान पीढ़ी वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, गरीब गरीब की बातें करते रहना, जुबां पर बार बार गरीब की बात लाना, इन लोगों ने बिहार के गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया था। ये हाल था बिहार का। बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बिहार का गरीब, बिहार के लोग अब उनके न बहकावे में आने वाले हैं, न उसके सामने थर थर कांपने वाले हैं। मैं आज ये बिहार की धरती, जिसने मानव जात को लोकतंत्र के पाठ पढ़ाए, उस बिहार की धरती से विशेष रूप से हमारे देश के चुनाव आयोग को, चुनाव संपन्न करने में जुटे सभी कर्मचारियों को और इस चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे मैं सुरक्षा बलों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चुनाव के समय जिस बिहार से हिंसा और बूथ लूटने की खबर छाई रहती थी, आज वही बिहार कोरोना के इतने बड़े संकट में भी उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। ये बदलाव लाने के लिए बिहार के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका गौरव गान किया जाए, उतनी कम है भाइयों।